तरह काउंटिंग शुरू हुई है और विपक्ष के नेता काउंटिंग हॉल के पास आकर बार बार काउंटिंग ऑफिसरों को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आगे बोल रहे हैं कि वोट क्यों डालने दिया। अगर आप वोट ही नहीं डालने देंगे तो कैसे लोकतंत्र और राज्यसभा में चुनावों में वोटों की गिनती कैसे शुरू होगी? कितनी देर इन्होंने वोटों की गिनती को रोकी है? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनको वो उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। अरे भाई, अभी तो काउंटिंग शुरू होगी और हमारे पास पूरी मेजोरिटी है, डोंट वरी, आप घबराइए मत, आपको पूरी मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता के साथ हम खड़े होकर जिस प्रकार का ये गंदा घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है, हिमाचल की संस्कृति इस चीज को कभी पसंद नहीं करती। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, विधानसभा खरीद फरोख्त का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता का विश्वास निकालने के लिए धन्यवाद। जिस तरह अभी काउंटिंग शुरू हुई है और विपक्ष के नेता काउंटिंग हॉल के पास आकर बार बार काउंटिंग ऑफिसरों को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपने अभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आके बोल रहे हैं कि वोट क्यों डालने दिया। अगर आप वोट ही नहीं डालने देंगे तो कैसे लोकतंत्र और राज्यसभा में चुनावों में वोटों की गिनती कैसे शुरू होगी? कितनी देर इन्होंने वोटों की गिनती को रोकी है? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो लोग गए हैं उनको वो उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। अरे भाई, अभी तो काउंटिंग शुरू होगी और हमारे पास पूरी मेजोरिटी है, डोंट वरी, आप घबराइए मत, आपको पूरी मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता के साथ हम खड़े होकर जिस प्रकार का ये गंदा घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है, हिमाचल की संस्कृति इस चीज को कभी पसंद नहीं करती। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, विधानसभा खरीद फरोख्त का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता का विश्वास निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।